हेलो दोस्तों, नमस्ते। लाइव टॉक दुबई चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं आपका दोस्त स्वरूप। दोस्तों, कल भी मेरा एक सब्सक्राइबर फ्लाई दुबई में ट्रैवल करके दुबई आया है और उनके पास आईसीए का ग्रीन सिग्नल नहीं था, तो उनका वीज़ा घर का वीज़ा है और वो बहुत दिनों से वो ट्राई कर रहा था अप्रूवल के लिए, लेकिन जो आईसीए का ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद मैंने उनको ये सजेस्ट किया था कि आप फ्लाई दुबई में एक बार रिस्क लो, क्योंकि फ्लाई दुबई में कोई मतलब किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो उन्होंने एट द एंड उन्होंने ये रिस्क लिया और उनका फ़्लाइट था दिल्ली टू दुबई, तो उनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ये जो मेरा जो सब्सक्राइबर वो बोल रहे थे कि एयरपोर्ट पर सिर्फ ये देख रहा है कि आपका वीज़ा ऑनलाइन एक्टिव है और नहीं है, वो मतलब आपका वीज़ा एक्टिव होना चाहिए और आपका जो पीसीआर टेस्ट वो प्योर हेल्थ का जो लैब है, यूई गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब, वहाँ से ही आपको करना पड़ेगा। फ्लाई दुबई का ये जो दो शर्त है, दो कंडीशन, एक तो आपका वीज़ा ऑनलाइन एक्टिव होना चाहिए और सेकेंड आपका जो पीसीआर टेस्ट वो प्योर हेल्थ का लैब से करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये जो प्योर हेल्थ का लैब से उन्होंने कराया था अपना पीसीआर टेस्ट और उनको कोई भी मतलब किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो अभी वो आजमान में है। तो उन्होंने एक वॉइस क्लिप मुझे सेंड किया है, वो मैं आपको सुनाऊँगा, और उनका पिक्चर एक पिक्चर और एक बोर्डिंग पास वो भी सेंड किया है, तो मैं आपको वो दिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, अभी वो वॉइस क्लिप हम लोग मैं सुनाऊंगा आपको। हेलो, गुड इवनिंग सर, कैसे सर? ठीक ठाक हो सर? मैं आपका सब्सक्राइबर जसवीर सिंह बोल रहा हूँ सर। तो अभी मैं सर इधर यूएई अजमान में आ गया है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी बहुत हमारे काम आई सर, तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी जो भी बात होती है वो 100% सही होती है सर, तो इसलिए मैं आपकी खबर बहुत ही बेचैनी से देखता था और सुनता था। तो सर मेरे को आपकी वो जो YouTube में वीडियो बना रहे थे ना, उसका हमको बहुत फायदा हुआ सर। एक तो फायदा वो सर जो आपने तो बताया था, जो प्योरेस्ट लैब के लिए वो 7 तारीख को जो फ्लाइट वही का फ्लैट होगा, तो उसका 27 तारीख को जो भी टेस्ट होगा वो प्योर है लैब से होगा कोरोना का। तो सर वो आपकी बात बिल्कुल 100% सही थी। तो हमने जलंधर में प्योर हेल्थ लैब से अपना कोरोना टेस्ट कराया, तो वही दुबई वालों ने एक्सेप्ट किया सर, फ्लाइट दुबई वालों ने। तो दूसरा जो 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 दिल्ली की लैब है, पहले दिल्ली में लैब था ना इसका 4, तो उसका सर वो एक्सेप्ट नहीं अभी कर रहे थे। हम एयरपोर्ट में देखा ना, तो वो बोल रहे थे अभी ये लैब का टेस्ट नहीं चलेगा, ये फ्लाइट लैब का टेस्ट चलेगा। हाँ सर, तो वो सर सिर्फ कोरोना टेस्ट पर जोर देते हैं। कोरोना टेस्ट आपका नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए, ऐसा वो कोरोना के ऊपर ज्यादा बोल रहे थे। और दूसरा आपका वीजा एक्टिव होना चाहिए, और कुछ भी नहीं बोलते, बस आपका कोरोना टेस्ट और नेगेटिव रिपोर्ट, कोरोना टेस्ट और एक्टिव वीजा एक्टिव, बस ये पूछते हैं। बहुत जाओ प्लेन में जाके बैठो, बस यही पूछते सर। थैंक यू सर, आपकी वो जानकारी हमारे बहुत काम आई सर, तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स सर। ओके सर, थैंक यू। सर मैं आपसे पहले भी इंडिया के नंबर से बात किया ना आपसे, तो मेरा घर का वीजा है, मेरा अप्रूवल नहीं आ रहा है। तो आप बोल रहे थे कोई बात नहीं आ जाएगा अप्रूवल, तो लेकिन सर अभी तक अप्रूवल नहीं आया था। तो जैसे आपने अपनी वीडियो में जिक्र किया है कि आप रिस्क ले सकते हो, तो मैंने सर फिर रिस्क लिया, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया था इधर, कोई काम नहीं था, कुछ नहीं था। तो चलो मेरा इंडिया का 30,000 तो लग गया, लेकिन वो अभी मैं बस भूल जाएगा ना, तो इधर अपना काम करेगा बस, क्लास भूल जाएगा फिर। हाँ, शुक्रिया सर। ओके, थैंक यू।